सेकेंड मेरिट लिस्ट देखे, पूरक रिजल्ट के रिगार्डिंग जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर जो है इंतजार कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, सेकेंड मेरिट लिस्ट का। 15,000 रिजल्ट फिर से आना चाहिए क्योंकि 2773 स्टूडेंट को ही सफल किया गया, बाकी 15,000 सीट कहाँ है, इसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे क्या कुछ मामला है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जो सफल अभ्यर्थी है उनका नाम आ गया, डीवी जल्द होगी। सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, जिनका सिलेक्शन हो गया, जिसका सेकंड लिस्ट में नाम आ गया उनका भी, जिनका नाम नहीं आया उनका भी, यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं क्या कुछ मामला है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि जिस तरीके से 10 तारीख को रिजल्ट आई थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जिसको सेकेंड मेरिट लिस्ट आप सभी इंतजार कर रहे हैं, 4700 सीट शिक्षा विभाग भेजी थी, जिसमें से 2773 पदों पर रिजल्ट घोषित किया गया और बोला गया कि बाकी जो सीटें हैं उस पर स्टूडेंट योग्य नहीं हैं। उसके बाद में क्या हुआ, पर शिक्षा विभाग के पास वह रिजल्ट भेज दिया गया, शिक्षा विभाग उसको फिर से वापस कर दिया गया टेक्निकल प्रॉब्लम कह के कि आप जो है जिला आवंटित नहीं किए हैं, कृपया करके जिला आवंटित करके आप जो है मेरे पास जो लिस्ट भेजिए ताकि हम उनको जिला वाइज जिला जो है उसका डीवी हम सफल करवाएं, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर पके। तो परसों 14 तारीख के डेट में, ठीक है, यहाँ पर जो है देर रात जिला आवंटित कर दिया गया और जो भी सफल स्टूडेंट थे सेकंड मेरिट लिस्ट में वे अपना जिला भी देख लिए होंगे कि किस जिला में पड़ा। ज़्यादातर मधेपुरा में पड़ा है स्टूडेंटों का, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर 119 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है सिर्फ मधेपुरा में और पीआरटी में, तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा में हुई है और दूर दराजों में हुई है, लेकिन हुई है ज़रूर, ये तो खुशी की बात है। लेकिन जिनका नहीं हुई है उनको लिए एक और अपडेट यह है कि देखिए, ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आई है, पूरक रिजल्ट आई है, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट वाले सीट पर ही आया है, बाकी जो फर्जी वाले थे, कहने का मतलब जो सीटेड फेल डीएलएड फेल थे, वे जो सीट वैकेंट रह जा रही है, साथ ही साथ जो डीवी नहीं कराए, काउंसलिंग नहीं कराए, वो सीट जो उत्पन्न हो रही है, उन सभी सीटों को अगर देखा जाए तो टोटल 15,000 से 20,000 सीट उत्पन्न होती है, तो क्या उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं। इसके लेकर जो छात्र नेता है, जो छात्र है, आक्रोश में है और वे प्रत्येक दिन आंदोलन कर रहे हैं और वे अपना मांग जो है, जो हक है उनका, वो अपना ले रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि 15,000 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर से शिक्षा विभाग के ऊपर डिपेंड करती है, अगर शिक्षा विभाग यूपीएससी आयोग को भेजती है लिस्ट सूची कि आप इस पर फिर से निकालिए तो वह आ सकती है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी आई है उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है ये सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट पर ही है, बाकी जो वैकेंट हो रही है सीट उस पर अगर शिक्षा विभाग चाहेगी तो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट ला सकती है, ऐसे में आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। ये तो हो गया आपका जो इंतजार करे जिनका सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैं आपको बता दिया, सभी का हो गया और आगे जो है जिला संबंधित अभ्यर्थी अपने जिला में जाकर आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आयोग के परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि 1 से 5वीं तक के समान विषय और उर्दू शामिल है, 9वीं और 10वीं के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में सफल अभ्यर्थियों का जिला आवंटित कर दिया गया। आयोग के अनुसार 11वीं और 12वीं के ये सभी जो है वेबसाइट पर डाल दी गई है। बता दें कि बीपीएससी ने 10 दिसंबर को ये सभी जो है जो अभी मैं बताया है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें और कुछ नहीं है। अब जो है फ्रेंड्स जो इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका डीवी कब होगा, तो डीवी के लेकर जल्द ही आपको नोटिस आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला आवंटित कर दिया गया, संबंधित अभ्यर्थी अपने ज़िले में जाकर आगे की प्रक्रिया पूरा करेंगे, तो अपने ज़िले में जाकर करेंगे, लेकिन ज़िला से कोई अपडेट आए तब तो, अभी ज़िला से कोई अपडेट नहीं आया है, वही देखना है कि ज़िला से कब आता है कोई लेटर कि हाँ कब जो है यहाँ पर डीवी करानी है, कब नहीं करानी है। इसके लिए आप लोग जो है वेट कीजिए, या मैं ग्रुप बनाया हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हूँ, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जो सफल स्टूडेंट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में वे लगभग 45 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सअप करना है, 9330133444।
71। इस पर जो है आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करने के बाद में मैं आपको ऐड कर दूंगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं, संख्या कम है तो आप सभी उसमें मिलकर रहकर एक दूसरे को सपोर्ट करके देख सकते हैं कि क्या नोटिस है, कहाँ आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हर जिला वाले जो है यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप पर हाई लिख के जरूर कहिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिएट कर दूंगा। अभी तक जो है लगभग 45 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, जहाँ तक मुझे अंदाजा है 45 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं आप जुड़ने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहेगी तो वह टीम सफल रहेगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।